ज्यादा अनुभव करते हैं, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम नाइटिंगेल जी की हॉकी ने किया था। और चार दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद, भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, चार दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर वो जहां होगी वहां कितनी प्रसन्नता होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी होगी। ये जो ललक दिन मैं समझता हूँ, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी में, और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव है। युवा का मन बदल चुका है, और आज का युवा मन घिसे पीते पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पर कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं, और चाह भी नहीं। अरे एक बार मन में ठान लेता है, नहीं हुआ, जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। हम देखते हैं, अभी कुछ समय पहले भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया, और देखते ही देखते युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया, और इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ करके आगे आए। और मुझे पक्का भरोसा है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सैटेलाइट की होगी जो हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने, हमारे कॉलेज ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने, लैब में काम करने वाले स्टूडेंट्स ने काम किया होगा। इसी तरह आज जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही संपन्न परिवार हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर उस परिवार में नौजवान से बात करो, वो क्या कहता है, वो अपने पारिवारिक जो परंपराओं से हटकर के कहता है, मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप में चला जाऊंगा। यानी रिस्क लेने के लिए मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है, और मैं उसमें उज्ज्वल भविष्य के संकेत दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हुई, देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने, और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और दुनिया में खिलौना का बहुत बड़ा मार्केट है, 6-7 लाख करोड़ का मार्केट है। आज भारत का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन खिलौने कैसे बनाना, खिलौना की विविधता क्या हो, खिलौने में टेक्नोलॉजी क्या हो, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुरूप खिलौने कैसे हो, आज हमारे देश का युवा उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने चाहता है। साथ में एक और बात जो मन को खुशियों से भर भी देती है और विश्वास को और मजबूत भी करती है, और वो क्या है, कभी आपने बात किया है, आमतौर पर हमारे यहाँ स्वभाव बन चुका था, होती है, चलो यार चलता है, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहा है, सर्वोत्तम करना चाहता है, सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है।
खेल विकास होता है, खिलाड़ी भी उसी में से निकलते हैं। आइए हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना योगदान हम दे सकते हैं, सबका प्रयास इस मंत्र से साकार करके दिखाए। मेरे प्यारे देशवासियों, कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है। जन्माष्टमी का यह पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं, नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहां कहां कृष्ण है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जन्माष्टमी से कुछ दिन पूर्व मैं ऐसे दिलचस्प अनुभव से गुजरा हूं कि मेरा मन करता है मैं यही बातें आपसे कहूं। अब याद होगा इस महीने की 20 तारीख को भगवान सोमनाथ मंदिर से जुड़े निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। सोमनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही भालका तीर्थ है। ये भालका तीर्थ वो है जहां भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अंतिम पल बिताई। एक प्रकार से इस लोक की उनकी लीलाओं का बहुत समापन हुआ था। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा उस सारे क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं भालका तीर्थ और वहां हो रहे कार्य के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी नजर एक सुंदर सी आर्ट बुक पर पड़ी। यह किताब मेरे आवास के बाहर कोई मेरे लिए छोड़कर गया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप, अनेकों भव्य तस्वीरें, बड़ी मोहक तस्वीरें और बड़ी मीनिंगफुल तस्वीरें। मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया, मेरी जिज्ञासा जरा और बढ़ गई। जब मैंने इस किताब और सारे चित्रों को देखा और उस पर मेरे लिए संदेश के साथ मुझे पढ़ा, तो मेरा मन कर गया कि उनसे मैं मिलूं। जो ये किताब मेरे घर के बाहर छोड़ के चले गए मुझे उनको मिलना चाहिए। मेरी ऑफिस में उन्होंने संपर्क किया, दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए बुलाया। और मेरी जिज्ञासा इतनी आर्ट बुक को देखकर के, श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों को देखकर के, इसी जिज्ञासा में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासी जी से। वे अमेरिकन है, जन्म अमेरिका में हुआ, लालन पालन अमेरिका में हुआ। जदुरानी दासी जी इस्कॉन से जुड़ी है, हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ी हुई है। और उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, भक्ति आर्ट में वो निपुण है। आप जानते हैं अभी 2 दिन बाद ही 1 सितंबर को इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद स्वामी जी की 132वीं जयंती है। जदुरानी दासी जी इसी सिलसिले में भारत आई थी। मेरे सामने बड़ा सवाल ये था कि जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, जो भारतीय भावों से इतना दूर रही, वो आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण के इतने मोहक चित्र बना लेती है। मेरी उनसे लंबी बात थी, लेकिन मैं आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। जदुरानी जी, हरे कृष्णा, आई रीड अ लिटल अबाउट भक्ति आर्ट, बट टेल अवर लिसनर मोर अबाउट इट। योर पैशन एंड इंटरेस्ट टवर्ड्स इट इज ग्रेट। सो भक्ति आर्ट, वी हैव वन आर्टिकल इन द भक्ति आर्ट इल्यूमिनेशन व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ दिस आर्ट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द माइंड और इमेजिनेशन, but it's from the ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Veni, Karayan, Patitam, Kalitam, Sikanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishwara Paramakrishna Satchidananda Vigraha, how he carries the flute, how all of his senses can act for any other sense, and Srimad Bhagavatam, everything. He was the karnika flower on his ear. He makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan. The countless voice sings his glory. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is in the ancient Vedic scriptures. And the power
scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. I have a different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India. How long? Will you please tell me what does India mean to you? Primarily, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the web very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility, but I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the avatari, appeared here, and all the avatars appeared here. Lord Shiva appears here. Lord Ram appears here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwarka, the source of the whole material creation. So I love India. Thank you, Gajarani ji. Hare Krishna. साथियों, दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाह्य है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के हाल को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई। मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओझल नहीं होने देना है। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है, इसके उदाहरण हमें प्रेरणा भी देते हैं और कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा भर देते हैं, नया विश्वास भर देते हैं, हमारे संकल्प में जान फूंक देते हैं। हम ये भली बात ही जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम आता ही आता है, क्योंकि इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी हैं। हमारा इंदौर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है। अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतुष्ट होकर के बैठना नहीं चाहते हैं, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और उन्होंने क्या मन में ठान ली है, उन्होंने वॉटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वॉटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर जहां बिना ट्रीटमेंट के कोई भी सीवेज किसी सार्वजनिक जल स्रोत में नहीं डाला जाता। यहाँ के नागरिकों ने खुद आगे आकर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है, स्वच्छता अभियान भी चलाया है, और इस वजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजर आ रहा है। आज जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वॉटर प्लस सिटी होंगे, उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियां भी साफ होगी और पानी
निभाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। साथियों, मेरे सामने एक उदाहरण बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के चार लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहां जरूर सोचे। और साथियों, जब हम एक लक्ष्य लेकर निकल पड़ते हैं ना, तो नतीजों का मिलना निश्चित होता है। आप देखिए, हमारे तमिलनाडु में शिवगंगा जिले की कांजी रंगाल पंचायत, देखिए इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया। यहां पर आपको बेस से बेल्ट का एक और मॉडल देखने को मिलेगा। यहां ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गांव में लगा दिया है। पूरे गांव से कचरा इकट्ठा होता है, उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्ट को कीटनाशक के रूप में बेच भी दिया जाता है। गांव के पावर प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 टन कचरे के निस्तारण की है। इससे बनने वाली बिजली गांव की स्ट्रीट लाइट और दूसरी जरूरतों में उपयोग हो रही है। इससे पंचायत का पैसा तो बच ही रहा है, वो पैसा दूसरे विकास के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे बताइए, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत हम सभी देशवासियों को कुछ करने की प्रेरणा देती है कि नहीं देती है? कमाल ही किया है उन्होंने। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है। दुनिया के अलग अलग कोने में भी मन की बात की चर्चा होती है और विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय समुदाय के लोग हैं, वे भी मुझे बहुत सी नई नई जानकारियां देते रहते हैं और मुझे भी कभी कभी मन की बात में विदेशों में जो अनोखे कार्यक्रम चलते हैं उसकी बातें आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। आज भी मैं आपका कुछ ऐसे लोगों से परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। नमो नमः सर्वेभ्यः, मम नाम गंगा। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटि 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम् एकता मूर्तिः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटि माध्यमे आर्धे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति, सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते। 23,000 वर्षे लोहसंग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34,000 टन परिमितं लोहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटि 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, भाषा तो आप समझ गए होंगे, ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है और जो बात कर रही है वो है आरजे गंगा। आरजे गंगा गुजरात
गुजरात के रेडियो जोकीज के ग्रुप के एक सदस्य हैं। उनके और भी साथी हैं, जैसे आरजे नीलम, आरजे गुरु और आरजे हेतल। ये सभी लोग मिलकर गुजरात में केवड़िया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और आपको मालूम है ना, ये केवड़िया वही है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, हमारे देश का गौरव स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां पर है, उस केवड़िया की मैं बात कर रहा हूं। और ये सब ऐसे रेडियो जोकी हैं जो एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं। एक गाइड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं और साथ साथ कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव रेडियो यूनिटी 90 FM उसका संचालन भी करते हैं। ये आर्य अपने श्रोताओं से संस्कृत भाषा में बात करते हैं, उन्हें संस्कृत में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथियों, हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरल भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान विज्ञान और राष्ट्रीय एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हाल ही में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति है श्रीमान रेडगर कॉर्टिन हॉस्ट, जो आयरलैंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं और वहां के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। इधर हमारे यहाँ पूरब में भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा की भी एक अहम भूमिका है। डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामणि, ये दोनों थाईलैंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने थाई और संस्कृत भाषा में तुलनात्मक साहित्य की रचना भी की है। ऐसे ही एक प्रोफेसर है श्रीमान बोरिस जाफरी, रशिया में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ये संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की है। उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत से रूसी भाषा में अनुवाद भी किया। इसी तरह सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलिया के उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर कैंप, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। साथियों, हाल के दिनों में जो प्रयास हुए हैं उनसे संस्कृत को लेकर एक नई जागरूकता आई है। अब समय है कि दिशा में हम अपने प्रयास और बढ़ाएं। हमारी विरासत को संजोना, उसको संभालना, नई पीढ़ी को देना, ये हम सबका कर्तव्य है और भावी पीढ़ियों का उस पर हक भी है। अब समय है इन कामों के लिए भी सबका प्रयास ज्यादा बढ़े। साथियों, अगर आप इस तरह के प्रयास में जुटे ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं, ऐसी किसी जानकारी आपके पास है, तो कृपया #celebratingsanskrit के साथ सोशल मीडिया पर उनसे संबंधित जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ दिनों में ही विश्वकर्मा जयंती भी आने वाली है। भगवान विश्वकर्मा को हमारे यहाँ विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। जो भी अपने कौशल्य से किसी वस्तु का निर्माण करता है, सृजन करता है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर सैटेलाइट, ये सब भगवान विश्वकर्मा का प्रकटीकरण है। दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों सालों से स्किल को, हुनर को, कौशल को आस्था से जोड़कर हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा बना दिया है। हमारे वेदों ने भी कई सूक्त भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किए हैं। सृष्टि की जितने भी बड़ी रचनाएं हैं,
काफी नए और बड़े काम हुए हैं हमारे शास्त्रों में, उनका श्रेय भगवान विश्वकर्मा को ही दिया गया है। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि संसार में जो कुछ भी डेवलपमेंट और इनोवेशन होता है वो स्किल्स के जरिए ही होता है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती और उनकी पूजा के पीछे यही भाव है। और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, विश्वम कुतस्नम कर्म व्यापारो यस्य सह विश्वकर्मा, अर्थात जो सृष्टि और निर्माण से जुड़े सभी कर्म करता है वह विश्वकर्मा है। हमारे शास्त्रों की नजर में हमारे आसपास निर्माण और सृजन में जुड़े जितने भी स्किल हुनरमंद लोग हैं वो भगवान विश्वकर्मा की विरासत है। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचकर देखिए, आपके घर में बिजली की कोई दिक्कत आ जाए और आपका कोई इलेक्ट्रिशियन ना मिले तो क्या होगा, आपके सामने कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी। हमारा जीवन ऐसे ही अनेकों स्किल लोगों की वजह से करता है। आप अपने आसपास देखिए, लोहे का काम करने वाले हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो, लकड़ी का सामान बनाने वाले हो, बिजली का काम करने वाले हो, घरों में पेंट करने वाले हो, सफाई करने हो, या फिर मोबाइल लैपटॉप का रिपेयर करने वाले, ये सभी साथी अपनी स्किल की वजह से ही जाने जाते हैं। आधुनिक स्वरूप में ये भी विश्वकर्मा ही है। लेकिन साथियों, इसका एक और पहलू भी है और वो कभी कभी चिंता भी कराता है। जिस देश में, जहां की संस्कृति में, परंपरा में, सोच में हुनर को, स्किल मैन पावर को भगवान विश्वकर्मा के साथ जोड़ दिया गया हो, वहां स्थितियां कैसे बदल गई। एक समय हमारे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्र जीवन पर कौशल्य का बहुत बड़ा प्रभाव रहता, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में हुनर को इस तरह का सम्मान देने वाली भावना धीरे धीरे विस्मृत हो गई। सोच कुछ ऐसी बन गई कि हुनर आधारित कार्यों को छोटा समझा जाने लगा। और आज देखिए, पूरी दुनिया सबसे ज्यादा हुनर यानी स्किल पर ही बल दे रही है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी सिर्फ औपचारिकताओं से पूरी नहीं होगी, हमें हुनर को सम्मान देना, हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी, हुनरमंद होने का गर्व होना चाहिए। जब हम कुछ न कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ ऐसा सृजित करें जिससे समाज का हित हो, लोगों का जीवन आसान बने, तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी। आज दुनिया में स्किल लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है, प्रगति के कितने सारे रास्ते आज स्किल्स से तैयार हो रहे हैं। आइए इस बार हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा पर आस्था के साथ साथ उनके संदेश को भी अपनाने का संकल्प करें। हमारी पूजा का भाव यही होना चाहिए कि हम स्किल के महत्व को समझेंगे और स्किल लोगों को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उन्हें पूरा सम्मान भी देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये समय आजादी के 75वें साल का है। इस साल तो हमें हर दिन नए संकल्प लेने हैं, नया सोचना है और कुछ नया करने का अपना जज्बा बनाना है। हमारा भारत जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हमारे ये संकल्प ही उसकी सफलता की बुनियाद में नजर आएंगे। इसलिए हमें ये मौका जाने नहीं देना है, हमें इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है। और इन प्रयासों के बीच हमें एक बात और याद रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। और हाँ, हमेशा की तरह जब भी आप कुछ नया करें, नया सोचे, तो उसमें मुझे भी जरूर शामिल करिएगा। मुझे आपके पत्र और मैसेज का इंतजार रहेगा। इसी कामना के साथ आप सभी को आने वाले पर्वों की एक बार फिर ढेरों बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।